दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों ये कथा बहुत ही अच्छी है, पूरा सुनकर लाइक जरूर कीजिएगा और अपना विचार जरूर बताइएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है अच्छा कौन और बुरा कौन, नृत्य शराबी सेठ या राजा। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक राजा ने जानना चाहा कि उसके राज्य में कौन अच्छा है और कौन बुरा। उसने महामंत्री को बुलवाया और आदेश दिया कि पता लगाओ कि राज्य में कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग बुरे। बहुत अजीब सा प्रश्न था, कौन अच्छा है कौन बुरा कैसे पता चले। महामंत्री ने न्यायाधीश को बुलवाया और उनसे पूरी सूची मंगवाई कि आप उन लोगों की सूची दें जिन्हें आपने अब तक सजा सुनाई है। न्यायाधीश हैरान, उस सूची का आप क्या करेंगे, उससे पता चलेगा कि नगर में कितने लोग बुरे हैं। न्यायाधीश ने महामंत्री से कहा कि सजा मिलना किसी के बुरा होने का प्रमाण नहीं, बेहतर हो कि आप जिसे बुरा मानते हैं उसके पास खुद जाएं और उन्हीं से पूछें। महामंत्री सबसे पहले एक शराबी के पास गया जो कुछ ही दिन पहले कैद खाने से लौटा था। उसने शराबी से पूछा कि तुम खुद को अच्छा आदमी मानते हो या बुरा। शराबी ने कहा कि वो एक अच्छा आदमी है, उसने जीवन में शराब पीकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि आसपास के लोग उसे बुरा आदमी मानते हैं पर वो खुद को बुरा नहीं मानता। हाँ, एक दिन शराब के नशे में नगर सेठ को गाली दे दी थी, इसलिए उसने गिरफ्तार करवा दिया। फिर महामंत्री एक नर्तकी के घर गया। उसने नर्तकी से कहा कि तुम पूरे नगर में बदनाम हो, बताओ तुम अच्छी हो या बुरी। नृत्य ने कहा कि लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह उसे नहीं, वो नृत्य करती है, लोगों का मनोरंजन करती है, उसके पास लोग चलकर आते हैं, इससे वो बुरी कैसे हुई। महामंत्री बहुत हैरान था, वो फिर न्यायाधीश के पास आया और कहने लगा कि पिछले दिनों आपने जिस शराबी को सजा सुनाई थी वो तो कह रहा था कि वो अच्छा आदमी है, इसी तरह नगर के नर्तकी भी खुद को अच्छा बता रही है, अब कैसे पता चले कि बुरा कौन है। न्यायाधीश ने कहा कि अब आप उनके पास जाएं जिन्हें आप अच्छा मानते हैं। महामंत्री नगर सेठ के पास गया। नगर सेठ ने महामंत्री की खूब आवभगत की, आने का कारण पूछा। महामंत्री ने कहा कि उन्हें अच्छे और बुरे लोगों की तलाश है, राजा ने सूची मंगवाई है। मैं शराबी के पास गया तो कह रहा था कि वो अच्छा आदमी है, नर्तकी के पास गया तो वो भी कहने लगी कि वो अच्छी है, फिर बुरा कौन है। नगर सेठ ने कहा कि आप मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं जवाब दूंगा। महामंत्री नगर सेठ को लेकर राजा के पास पहुंचा। महाराजा ने सेठ से पूछा कि आप बताएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। नगर सेठ ने कहा, राजन मैं बुरा हूं आप बुरे हैं। राजा भड़क गया, क्या बक रहे हो सेठ, मैं कैसे बुरा और तुम कैसे बुरे, प्रजा क्या दूध की धुली है। सेठ ने धीरे से कहा, राजन यही सच है, प्रजा का कभी दोष नहीं होता, दोष राजा का होता है, मुझ जैसे सेठ का होता है। राजन सुनिए, पूरी कहानी सुनिए और सच को समझिए। बहुत साल पहले एक आदमी मेरे पास मदद मांगने आया था पर मैंने उसकी मदद नहीं की। बाद में पता चला कि वो शराबी बन गया है और नगर में हुल्लड़ मचाता फिरता है। अगर मैंने उस दिन उसकी मदद की होती तो वो ऐसा नहीं होता, और मैं कैसे दोषी हूं, राजा ने जानना चाहा। सेठ ने कहा, राजन बहुत साल पहले आपका एक सेवक आपके साथ शिकार पर गया था, वहां किसी दुर्घटना में उसका निधन हो गया। उसके निधन के बाद आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसके परिवार का क्या हुआ। उस सेवक की लड़की बड़ी होकर नर्तकी बन गई और नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करती है, लोग उसके पास जाते भी हैं और उसे बुरा भी कहते हैं।
अगर नगर में कहीं बुराई है तो उसके लिए किसी और को दोष देने से पहले खुद के भीतर झांकना जरूरी है। इस संसार में कोई बुरा नहीं होता। परिस्थितियां अगर किसी को बुरा बनाती हैं तो राजा उसके लिए जिम्मेदार होता है, ना कि प्रजा। अच्छा और बुरा दोनों राजा के हिस्से हैं या फिर सेठ के हिस्से। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।